أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। हज़रात अपने सफ़र की मसरूफियात और दिन भर के प्रोग्रामों की मसरूफियात के बावजूद जब मैं घर लौटा तो मैंने जो DGP उत्तर प्रदेश की गाइडलाइन मुहर्रम को लेकर है इसको मैंने बगौर पढ़ा। इसकी मैं ऑल इंडिया एशिया फसला बोर्ड के ज़रिए से ज़बरदस्त तरीके से मदम्मत करता हूँ, और ख़ाली मदम्मत ही नहीं करता हूँ बल्कि ये जो पूरी गाइडलाइन जो DGP साहब की तरफ से सर्कुलर जारी हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में मुहर्रम को लेकर, जैसे लगता है कि उनके किसी वहाबी मित्र ने बैठ के इस पूरे सर्कुलर को तैयार किया है। लिहाजा ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड इस पूरी गाइडलाइन का भरपूर तरीके से विरोध करता है, और खाली विरोधी नहीं करता है। कल यानी 2 अगस्त को शाम को 5 बजे ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड के ऑफिस बैरर्स की एक मीटिंग अवध पॉइंट पर मुनक्किद की गई है, जिसके अंदर इसके ऊपर गौर किया जाएगा। और मैं DGP साहब को ये बताना चाहता हूँ कि मुहर्रम त्यौहार नहीं है, मुहर्रम मॉर्निंग है, मुहर्रम गम का महीना है। मुहर्रम में प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी देके पूरे इस्लाम को पूरे इंसानियत को बचाया है। लिहाजा मुहर्रम के साथ लफ्ज़ त्यौहार लगाने की मैं भरपूर तरीके से मदम्मत करता हूँ। और उसके अलावा जो ये बात कही गई है कि मुहर्रम के अवसर पर शिया समुदाय के द्वारा तबर्रा पढ़े जाने पर सुन्नी समुदाय देवबंदी एवं अहले हदीस द्वारा कड़ी आपत्ति व्यक्त की जाती है, तो कहाँ तबर्रा पढ़ा जाता है? आप एक वीडियो दिखाइए जिसके अंदर मुहर्रम के ताज़िये के जुलूसों में तबर्रा पढ़ा जाता हो, जिसके अंदर शिया तबर्रा पढ़ते हुए जा रहे हो, बल्कि शिया रोते हुए जा रहे हैं, शिया मातम करते हुए जा रहे हैं, शिया अपने सर से खून बहाते हुए जा रहे हैं, ऐसे तो वीडियो मिल जाएंगे, बल्कि शिया गम मनाता हुआ जाता है, ना कि शिया तबर्रा करता हुआ जाता है। मैं इसकी भरपूर तरीके से कि हमारे यहाँ जिस फहरिस्त में नमाज है फुरूए दीन की, उसी फहरिस्त में तबर्रा है। हमारे मुकद्दस लफ्ज़ तबर्रा को बदनाम करने पर मैं DGP साहब की इस गाइडलाइन की भरपूर तरीके से मदम्मत करता हूँ। इसके अलावा जो आगे कहा गया, पतंगों एवं आवारा पशुओं पर तबर्रा लिखे जाने तथा देवबंदी अहले हदीस के फ़िरक़े के सुन्नियों के असामाजिक तत्वों द्वारा इन्हीं तरीक़े से अपनी खलीफाओं के नाम लिखकर प्रदर्शित करने पर इन दोनों फ़िरक़ों के मध्य व्याप्त कटुता के कारण विवाद संभावित रहता है। DGP साहब, कहाँ पतंगों को पर तबर्रा लिखा गया? ये तो आप काकोरी की ज़बान बोल रहे हैं। मैं भी इसी लखनऊ में रहता हूँ, ओहदे हमेशा नहीं रहते हैं, दसियों DGP आए और आके चले गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अदादारी रोज़ अजल से हो रही है और सुबह क़यामत तक होती रहेगी। वो ऑफिसर्स हमारे लिए लायक सलाम हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अदादारी में तामुन करते हैं। मैं उनकी भरपूर तरीके से मदम्मत करता हूँ जो अदादारी को डैमेज करना चाहते हैं या अदादारी को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। आप ये बताएं कि कहाँ पतंगों के ऊपर तबर्रा लिख के पतंगे छोड़ी गईं? किसने पतंगे छोड़ी तबर्रा लिख के? पूरे उत्तर प्रदेश में एक FIR दिखाइए मुझको। मैं ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड के तर्जुमान की हैसियत से जिम्मेदारी से यह बात कर रहा हूँ। मैं भी गाँव गाँव शहर शहर जाता हूँ, एक ऐसा वाकया नहीं आया जिसमें किसी ने ये शिकायत की हो कि पतंगों को पर शिया तबर्रा लिख के छोड़ते हैं। उसके अलावा जो ये कहा गया कि आवारा पशुओं के ऊपर आपत्तिजनक नाम लिखे जाते हैं, किस आवारा पशु के ऊपर आपत्तिजनक नाम लिखे गए? ये वेल प्लान वे में मुहर्रम से पहले फिखर वाराना रंग देने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश के DGP के द्वारा। लिहाजा ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड इसकी भरपूर तरीके से मदम्मत करता है, क्योंकि यह इलेक्शन का मौका है और चंद महीने के बाद में उत्तर प्रदेश के इलेक्शन है। लिहाजा बहुत होशियारी से DGP पूरे सूबे को
शिया और सुन्नी तनाव में झोंकना चाहते हैं, लिहाजा मैं उनके इस एडवाइजरी की, उनके इस बयान की भरपूर तरीके से मदम्मत करता हूँ। इसके अलावा उनका जो ये आपत्तिजनक चार नंबर जो पैरा है, इसके अंदर धार्मिक जुलूसों एवं कार्यों, यौन संबंधी घटनाओं, गौवंश आदि, तो कौन सी गौ हत्या होती है, कहाँ गाय काटी जाती है, कोई एक वाकया हुआ कि मुहर्रम के जुलूस में गाय काटी जाती हो, मुहर्रम के जुलूस में कोई जानवर नहीं काटा जाता है, बल्कि मुहर्रम के जुलूस में हमारे यहाँ बच्चे सर को पर कमा लगाते हैं, हमारे यहाँ मुहर्रम के जुलूस में सीने से खून बहाते हैं, हमारे यहाँ सीने पर हाथ मार के या हुसैन कहते हैं। लिहाजा इस सिलसिले में ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड की आफिस बैरर्स की जो मीटिंग होने जा रही है कल यानी 2 अगस्त को, उसके अंदर अहम फैसले लिए जाएंगे और मैं उत्तर प्रदेश के तमाम मुसलमानों से और ख़ास तौर से शिया मुसलमानों से यह गुजारिश करूंगा कि ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड जो भी अभी अपना बयान कल के बाद जारी करेगा उसका इंतज़ार करें और इस सिलसिले में जितने भी बयान आए हैं मैं हर बयान की तायीद करता हूं भरपूर तरीके से। ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड हर बयान की तायीद करता है और मुहर्रम को लेके, जहां मुहर्रम खाली शिया नहीं मनाते, मुहर्रम और दूसरे मुसलमान भी मनाते हैं, खाली मुसलमान नहीं मनाते बल्कि हिंदू भाई भी ताज़िये रखते हैं। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कितने ताज़िये हैं जो हिंदुओं के ज़रिए से उठाए जाते हैं, इस सिलसिले में आप क्या कहिएगा? लिहाजा आप मुहर्रम को जानते नहीं हैं, इसलिए अपने किसी वहाबी हम प्याला हम निवाला के कहने के ऊपर ये जो गाइडलाइन जारी की है, ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड इसकी भरपूर तरीके से मदम्मत करता है और खाली मदम्मत ही नहीं करता है बल्कि DGP से और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये गुजारिश करूँगा कि इस बयान को फौरन वापस लें। DGP का जो मुहर्रम को गाइडलाइन, मुहर्रम को लेकर गाइडलाइन जारी हुई है, वरना सूबे के हालात तो DGP साहब ने मुहर्रम शुरू होने से पहले ख़राब कर ही दिए हैं। कल भी इंशाल्लाह जो भी हमारे ऑफिस बैरर्स की मीटिंग होगी उसके अंदर शिया मसला बोर्ड जो भी तय करेगा वो इंशाल्लाह उससे आपको मुत्तला कर दिया जाएगा। फ़कत वस्सलाम।